हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइक्स रिव्यू पॉइंट। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई स्कूटर लेके आया हूँ। जैसे कि आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, इसका नाम है जूम। 110 सीसी की एक न्यू स्कूटर आई हुई है हीरो की। मैं उसका आज टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि चलने में कैसी है और इसका क्या रोड प्रेजेंस है। तो चलिए मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। ये देख सकते हैं, यहाँ हल्का सा ऑफ रोडिंग पैच आया रोड में, तो काफ़ी अच्छी चल रही है स्कूटर। और आगे मैं थोड़ा सा चलाता हूँ इस स्कूटर को, फिर बताता हूँ आप लोगों को कि ये स्कूटर चलने में कैसी है और इसका क्या एक्सपीरियंस है मेरा इस स्कूटर से। और आप इसके हॉर्न का भी साउंड सुन सकते हैं। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी का, जैसे कि अभी हल्का सा ऑफ रोडिंग पैच भी आया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं कही इस गाड़ी को लेके चलाने में। और चलिए तो देख लेते हैं, इसका पिकअप काफ़ी अच्छा दिया गया है। 110 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा पिकअप है। हालांकि मैं ये स्कूटर अभी एजेंसी से लेके आया हूँ, शोरूम से लेके आया हूँ, तो इसका मीटर जो है वो कट है, तो इसकी मैं टॉप स्पीड तो मैं आपको एकदम से नहीं बता पाऊँगा, पर मैक्सिमम टॉप स्पीड में इसकी शोरूम से पता करके और एक दो लोग या जो खरीद चुके होंगे, जो बायर होंगे, उनसे मैं पता करके आपको बता दूंगा। और चलिए तो इसकी ब्रेकिंग टेस्ट भी देख लेते हैं। देख सकते हैं जैसे सामने ऑफ रोडिंग पैच आ रहा है, तो ये देख सकते हैं इसका काफ़ी अच्छा ब्रेक दिया गया है, क्योंकि इसमें सामने के जो साइड ब्रेक दिए गए हैं, जो फ्रंट ब्रेक हैं, वो डिस्क देखने को मिल जाते हैं अपन को। और उसी के साथ कंफर्टेबल भी है काफ़ी गाड़ी, क्योंकि आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं अपन को, जैसे आपने देखा होगा पहले वाले वीडियो में, और रियर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं मोनोशॉक। और मैं एक प्रियन के साथ हूँ, मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ है पीछे, तो प्रियन में भी काफ़ी अच्छी स्पीड कैच कर लेती है बाइक, सॉरी स्कूटर, तो देख सकते हैं आप। और विंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि गाइस ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है, तो मेरे पास अभी कोई माइक वगैरह नहीं है, इसीलिए विंड नॉइज़ के लिए सॉरी। और जैसे ही ये टर्न मैंने की स्कूटर, मेरे को इसका एक फीचर जो काफ़ी न्यू फीचर दिया गया है वो याद आया कि इसमें कॉर्निंग लाइट देखने को मिल जाती है अपन को, जो कि मैं इसको पहले शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगा, तो आप शॉर्ट वीडियो में भी देख पाएंगे कि कॉर्निंग लाइट दरअसल है क्या। क्योंकि अपन जैसे ही गाड़ी को टर्न करते हैं, राइट टर्न करते हैं या लेफ्ट टर्न करते हैं, तो अपन को नीचे साइड में कॉर्नर में लाइट जलते हुए एक मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नया फीचर आया हुआ है। और इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं जा रही है। मेरी हाइट 5.9 है, फिर भी काफ़ी कम्फर्टेबल बाइक है, काफ़ी कम्फर्टेबल स्कूटर है। फ्रेंड्स, ये रही हमारी स्कूटर जो मैंने अभी आपको रोड प्रेजेंस इसका एक वीडियो दिखाया, और सामने की तरफ आप देख सकते हैं इसका लुक, और नीचे अपन को इसमें डुअल हेड लैंप देखने को मिल जाते हैं हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर के साथ। और इसका ऑल ओवर आप लोग देख सकते हैं, ये स्कूटर काफ़ी स्पोर्टी स्कूटर देखने को मिल जाती है हीरो की, एक हीरो मोटर कॉर्प की सेगमेंट में। और तो कैसा लगा आपको इसका लुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्कूटर लगी मेरे को और चलाने में भी काफ़ी अच्छी है, मैंने अभी जैसे वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो ये रही स्कूटर, आपको कैसा लगा इसका ऑल ओवर लुक मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।